प्रणाम देवी सरस्वती। आइए देवी गंगे, प्रयाग में आपका स्वागत है। हे महादेवी सरस्वती, मुझे क्षमा कर दें। आवेश में आकर मैंने आपको श्राप दे दिया था। देवी गंगे, श्राप तो पहले मैंने आपको दिया था। नहीं महादेवी, आपका दिया हुआ श्राप तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। उस श्राप ने मुझे भगवान शिव की जटाओं में स्थायी निवास दिया। उसी श्राप ने मुझे मानव कल्याण का मार्ग दिखाया और उसी श्राप के कारण मैंने धरती पर पुनः अपने हरि के चरण पखारे। कितने ही ऋषियों मुनियों ने आरती द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया। महादेवी, मैं पुत्र भगीरथ के साथ उसके पूर्वजों का कल्याण करने जा रही हूँ। हे महादेवी, सच पूछिए तो मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने आई हूँ। मुझे आपका श्राप देना अनुचित नहीं, उचित था, क्योंकि मैंने विष्णु लोक में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था। उसे भूल जाइए देवी गंगा, जलधारा बनने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि ज्ञान और कला के साथ साथ संसार में अन्य वस्तुओं का भी अपना महत्व है। मैं तो जीवन को विद्या देती हूं, किंतु देवी गंगे, आप तो जीवन दायिनी हैं, आप स्वयं जीवन देती हैं। हम सब ब्रह्म की उस शक्ति के अंश हैं जो सृष्टि पर उपकार के लिए प्रकट किए गए हैं। यहां मेरा कार्य संपन्न हुआ, मैं ब्रह्मलोक जा रही हूं। देवी गंगे, आपकी यात्रा तो अभी बहुत लंबी है। अभी तो यहां जलधारा कालिंदी से आपका मिलन होगा, जिसे लोग यमुना कहेंगे। आपकी यात्रा शुभ हो, मैं विदा लेती हूं। होता है यह किसी महान तपस्वी का आश्रम है, उनके दर्शन किए बिना जाना उचित नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्षमा कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं यह सुंदर और पावन आश्रम किसका है? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मैं भगीरथ हूं। भगीरथ अर्थात महाराज भगीरथ? महाराज था, किंतु अब तो वैरागी हो गया। आइए, आपका स्वागत है। यह हमारे गुरुदेव महान ऋषि जहनू का आश्रम है। महर्षि जहनू, मैं अभी जाकर उनके दर्शन करता हूं। भगीरथ! माता, आपको कुछ देर यहां विश्राम करना होगा। मैं महर्षि जहनू के दर्शन करके शीघ्र आता हूं। जहनू ऋषि? हां माता। भोला भगीरथ नदी को रुकने के लिए कह रहा है। प्रतीक्षा के लिए तो मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी, और दिशा बदलूंगी तो मेरे समक्ष जहनू ऋषि का आश्रम पड़ेगा। महर्षि जहनू, आपके श्री चरणों में भगीरथ प्रणाम करता है। महाराज भगीरथ,
मैं आपकी ख्याति से परिचित हूं, किंतु आपका ये वैरागी रूप देखकर आश्चर्यचकित हूं। किसका दुस्साहस है? किसने किया होगा ये? अनर्थ किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये दुस्साहस किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये कौन मायावी है जिसने चेहनु के आश्रम में इस प्रकार प्रवेश करके यज्ञ के अनुष्ठान को भंग करने की चेष्टा की? महर्षि, यह कोई मायावी नहीं, यह तो माता गंगा है। गंगा? गंगा का यह दुस्साहस, ऐसा व्यवहार ब्रह्मलोक में अपनी मनमानी करने वाली, शिव की जटाओं को चुनौती देने वाली गंगा, यह चेहनु का आश्रम है, यह धृष्टता यहां सहन नहीं की जाएगी। यदि तुझे अपनी विशालता पर इतना अभिमान है तो देख, तुझे ये चेहनु ऋषि क्या दंड देता है। त्राहिमाम महर्षि, त्राहिमाम, त्राहिमाम। इतनी ही शक्ति थी तुझ में? तेरी इतनी ही क्षमता थी? तू एक ऋषि की प्यास भी नहीं बुझा सकी? महर्षि, 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 ये क्या किया आपने? महर्षि, मैंने क्या किया? गंगा को उसकी धृष्टता का दंड दे दिया, और क्या किया मैंने? नहीं महर्षि, नहीं, आपको माता गंगा को लौटाना होगा। महर्षि, आपको माता गंगा को लौटाना होगा। राजन, शांत हो जाओ। हां, तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने ये वैराग्य क्यों धारण किया? हे महर्षि, मेरे वैराग्य का कारण भी माता गंगा ही है। कपिल मुनि की ज्वाला से भस्म हुए मेरे पूर्वज माता गंगा की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि माता गंगा की जलधारा वहां तक नहीं पहुंची तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उनकी मुक्ति नहीं होगी, मेरे संकल्प की पूर्ति नहीं होगी, मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा। महर्षि, मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा। हे महर्षि, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों पर कृपा कीजिए, मैं आपके श्री चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप माता गंगा को मुक्त नहीं कर देते। गंगा पर तो नहीं, किंतु मुझे तुम पर दया अवश्य आ गई। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे संकल्प के लिए मैं इस चंचल गंगा को मुक्त करता हूं।
हे महर्षि, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आयुष्मान भव। अब इस गंगा को लोग जाह्नवी कहकर पुकारेंगे। माते, क्षमा करना पुत्र, मैं बाल्यकाल से ही चंचल स्वभाव की हूं, किंतु मैं क्या करूं पुत्र, जैनु ऋषि का आश्रम मेरे मार्ग में जो आ गया था। कुछ भी हो माते, किंतु अब मेरी विनती है कि आप मेरे साथ साथ ही चलें, क्योंकि यदि आपको ऐसी घटना घट जाती है तो मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। माते, एक उपाय है पुत्र। वो क्या है माते? तुम मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिसे सुनकर मेरा ध्यान कहीं और लगे ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा माते, आप ही बताइए आप किसकी कथा सुनना चाहेंगी। तुम मुझे अपने पूर्वजों की कथा सुनाओ जिनके उद्धार के लिए तुम मुझे ले जा रहे हो। अच्छा माते, माते आप तो जानती हैं कि मैं महान सम्राट महाराज सगर का वंशज हूं। सगर, सगर का अर्थ जानते हो पुत्र? हाँ माते, गर का अर्थ होता है विष और सगर का अर्थ होता है विष के साथ। हाँ पुत्र, सगर का यही अर्थ होता है, किंतु ऐसा विचित्र नाम किसने रखा था उनका? ये तो आपको कथा सुनने के पश्चात ही ज्ञात होगा माते। वैसे महाराज सगर के जन्म की कथा है बड़ी विचित्र। तब तो ये कथा मैं अवश्य सुनूंगी पुत्र, यात्रा बड़ी लंबी है, सुनते सुनते कट जाएगी। तो सुनिए माते, महाराज बाहुक महाराज सगर के पिता थे। यह मैं तब की बात बता रहा हूं जब महाराज सगर का जन्म ही नहीं हुआ था। महाराज बाहुक के शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करके उनसे उनकी राजधानी छीन ली। महाराज बाहुक अपने पत्नियों समेत एक छोटे से नगर में चले गए। वो वहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब अंतिम संस्कार के लिए चिता पर उनका शव रखा गया तब केवल उनकी पटरानी उनके साथ थी। वैसे तो महाराज बाहुक के 12 रानियां थी, किंतु उनकी महारानी केवल एक थी जिसे पटरानी कहा जाता है। उनका नाम था करुणामयी। उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि वे अपने पति के साथ चिता में प्रवेश करेंगी।
पुरोहित जी। जी महारानी जी। ये बात सभी जानते हैं कि मैं तथा महाराज की अन्य 11 रानियां महाराज को तथा इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकी, इसलिए पुरोहित होने के नाते आपका ये कर्तव्य भी है तथा धर्म भी है कि हमारे अंतिम संस्कार के लिए अग्नि का दान आप करेंगे। महारानी जी, आपने सत्य कहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। पुरोहित जी रुक जाइए। अच्छा हुआ मैं समय पर यहां पहुंच गया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। आपने महाराज के अंतिम संस्कार की अंतिम विधि को रोककर अनर्थ ही तो किया ऋषि औरव। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सती प्रथा के विरुद्ध हूं, किंतु आपको इस अनुष्ठान से रोकने का कारण कुछ और ही। महारानी करुणामयी, कदाचित आप नहीं जानती और सब भी नहीं जानते, आप महाराज के साथ अपने प्राण देकर एक और प्राण की बलि दे रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि औरव? यदि आप मुझे महाराज के साथ अग्नि में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं, तो आपका प्रयास सफल नहीं होगा। मेरा निर्णय अटल है। नहीं महारानी करुणामयी, महारानी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि आपके गर्भ में महाराज बाहु की संतान पल रहे हैं।